Hey viewers, hey, assalamu alaikum aur ye kya hai yaar, this is something very funny yaar, ye private hai yaar, ye aise nahi mangta yaar, kya hai yaar, mera sada gaza hai na, मेरे अपने हाथ का बना हुआ है व्यूवर्स, आप देख सकते हैं। चाय भी ऑफकोर्स मैंने खुद बनाई है, ऑफकोर्स ये मेरी छोटी सी शॉप है, उसमें ये मैंने सैंडविच जो है ना ये मैंने क्रिएट किए हैं खुद ही। इसमें शामी है, इसमें सॉसेज हैं डिफरेंट किस्म की, ग्रीन सॉस है, रेड सॉस है, चिली सॉस, मायनीज है, एंड कैबेज एंड सैलड एंड ऑल दोस थिंग्स। ये मेरी डाइटरी होती है दोपहर को, और लंच कह लें इसे, आप कुछ भी कह लें, एंड आई एम रियली हैप्पी टू हैविंग दिस। और बहुत ही लाइट, किसी किस्म का कोई बर्डन नहीं होता मेदे पे, और यू फील एक्टिव एंड हेल्दी। आई होप दैट यू गोना ट्राई एट होम आल्सो। उससे पूछिएगा आप लोग कमेंट्स में, मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ट्राई करने के बाद, ठीक है ना। इसमें सादा शामी है, नो चिकन शामी, सादा शामी, और इसके अंदर दो सॉसेज हैं, एक ग्रीन और एक रेड। इसके अलावा मायोनीज है, कैबेज है, और ब्रेड स्लाइस ऑफ कोर्स, जस्ट टोस्टेड, फ्लिप इट ओवर। ऐसा मज़ेदार है, रियली टेस्टी है, बहुत लाइट है, कोई आपको जो आपके जो आपके जो टेस्ट बड्स है ना वो रियली जिगलिंग कर रहे हैं सब मेरे में। आई एम रियली एंजॉयिंग माय फूड राइट नाउ। व्यूअर्स, कल मैंने आपको एक ब्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने आपको एक दुआ सेंड की थी, अल्लाह मनी असल कला फिर दुनिया वाला कर, तो उसको प्रैक्टिस में ज़रूर रखना है आपने, और जो भी रिजल्ट्स आए मुझे लाजमी बताना है, ठीक हो गया ना। होप यू गोना लाइक दैट इंशाल्लाह। इसके अलावा व्यूअर्स, मौसम चेंज हो रहा है, बिजनेस के हवाले से अगर कोई टिप आपको देना चाहूँगा तो इस वक्त आप कोल्ड के बिजनेस की तरफ आए, मौसम चेंज हो रहा है, यू कैन हैव फन विद दैट। और कोल्ड में फालूदा है, आइसक्रीम है, जूसेस हैं, फ्रेश जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, और आपके शेक्स हैं, देर आर मैनी मैनी मैनी, यू नो, आप किसी कॉर्नर पर लगा लें, आप किसी शॉप के सामने लगा लें, आप किसी ट्रेन में ट्राई कर लें। रेसिपी आपको चाहिए तो आप लो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रेसिपी दे दूँगा, वट एवर यू लाइक। मोर ओवर बर्गर की रेसिपी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, कमेंट्स में भी लिख दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एंड बिजनेस के हवाले से, फूड के हवाले से, कुलिनरी के हवाले से, किचन के हवाले से आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, देन आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक हो गया। व्यूअर्स, जिंगर बर्गर के जो आप कोटिंग करते हैं, आप बनाते हैं उसका बैटर बनाते हैं, उस बैटर के सिलसिले में मैं आपके दो तरीक़ों से हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। और पिज़्ज़ा वगैरह ऑफकोर्स, पीस ऑफ केक, इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ उसके दो के थ्रू से आपको मेहनत करनी होती है। और इसके अलावा रोल है, पराठा रोल, उसमें आप टोटिया ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप पिज़्ज़ा ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा सैंडविच ब्रेड भी, इवन समटाइम पीपल दे आर यूजिंग इट, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप ट्राई कीजिएगा, देन लेट मी नो। स्मॉल बिजनेस के हवाले से जब भी आप स्टार्ट करने का सोचें तो पहले छोटी सी एक फिजिबिलिटी लाजमी बनवा लिया करें, ठीक है। उसमें आपकी कॉस्ट आनी चाहिए, आपकी प्रोडक्शन आनी चाहिए, उसमें आपकी गुड्स आनी चाहिए, उसमें आपका इन एंड आउट पुट सारी वो आनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा आपका जो आउटलेट होगा छोटा सा हो, इवन 2x2 का हो, 4x4 का हो, 5x5 का हो, या 5x3 का हो, व्हाटएवर, लेकिन उसमें आपने सारी एडजस्टमेंट अपने पहले से सोच कर करनी है, प्लान करनी है, देन यू गोना गेट सक्सेस।
पैकेजिंग के हवाले से मोस्टली लोग परेशान होते हैं कि पैकेजिंग जो है हमें प्रिंट करवानी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा। अभी आप इन लाचों में बिल्कुल भी ना करें। जब भी आप इनिशियल स्टेज ले रहे होते हैं और छोटे स्मॉल इंडस्ट्री से स्टार्ट कर रहे होते हैं, स्मॉल क्योस्क से स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर पैकिंग चैकिंग करना भी बड़ा मुश्किल है। राजा बाजार बड़ा बड़ा है, रांची का जोड़िया बाजार बड़ा बड़ा है, और लाहौर में भी बहुत सारी जगह हैं ऐसी सब वगैरह में जहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो उस सिलसिले में परेशान होने की जरूरत नहीं है। रैप, सिंपल रैप ले लिया करें, ठीक है ना, उसमें सिल्वर फॉयल आती है, उसमें ग्रीन फिल्म आती है, उसमें बटर पेपर आता है, ये तीन चीज़ें जो है आपके लिए इनफ है। कोई भी पैकिंग आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रैपिंग हो गई आपकी, आपकी फिजिबिलिटी हो गई, आपका क्योस्क का स्पेस हो गया, आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट हो गई, आपका स्टॉक हो गया, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, आपकी जूसर मशीन हो गई, ठीक है ना, उसमें सिर्फ एक बनाना शेक या मैंगो शेक ही रखना है, उससे बर्तन में आप जम करना है। और इसके अलावा बर्गर में भी दो किस्में रखिएगा कि जो इतना रखें स्टॉक, इतनी वैरायटी रखें जितनी आप हैंडल कर सकें प्रॉपरली, अदरवाइज डोंट गो फॉर दैट। जैसा आपका एक कियोस्क हो गया और दूसरा आपका रेसिपीज़ हो गई हैं, उसके अलावा आपने मेरे चैनल को देखते रहना है और किसी भी किस्म की आपकी जरूरत हो तो आप लोग कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। और आई होप यू गोना लाइक द वीडियो इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।